हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमने साउंड चैप्टर ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, सिर्फ एक्सरसाइज हमारा बाकी है। तो एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल से आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो भी कुछ कॉमन न्यूमेरिकल होंगे, सेम फॉर्मूला वाले होंगे, वो आपको मैं फॉर्मूला बता दूंगा, उस हिसाब से आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो आते हैं हम पहले प्रॉब्लम पे। हमें क्या दिया है देखते हैं। देखो, पहला प्रॉब्लम हमें दिया है, अ सर्टन साउंड वेव इन एयर हैज अ स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड एन वेवलेंथ 1.7 मीटर। फॉर दिस वेव कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या दिया गया है। ओके, तो आते हैं गिवन पे। देखो, इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन क्या दिया गया है, गिवन। ओके, गिवन स्पीड, स्पीड मीन्स वी इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा हमें क्या दिया है, वेवलेंथ। वेवलेंथ इंडिकेट करते हैं लैम्बडा से। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 1.7 मीटर। ठीक है, ये दोनों भी हमें दिए गए हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो सिंपल फॉर्मूला हमें पता है। तो फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम, ए हमें जो पॉइंट दिया गया है फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा से हम स्टार्ट करेंगे। v इज इक्वल टू एन लैम्बडा एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्बडा, v डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो v का वैल्यू पुट करो, v का वैल्यू कितना है, 340 डिवाइडेड बाय 1.7 डिवाइडेड बाय 1.7। अब डिवाइड करो तो क्या होगा, 1.7 से 340 को। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 340 इंटू 17 इन, और एक एक पॉइंट बढ़ा दिया हमने, क्या कर दिया, एक एक पॉइंट को 340 डिवाइडेड बाय 1.7, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3400, एक जीरो बढ़ा दिया तो नीचे 17, डिवाइड किया 17 टू जा, तो ये आ गया 200, कितना आया 200 हर्ट्ज, ये आ गया एक हमारा। अब आते हैं सेकंड पे, टाइम पीरियड के लिए। सो टाइम पीरियड इज सिंपल, बी फॉर्मूला, टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो टी इज इक्वल टू 1/200, 1/200 क्या होता है, अगर इसको और इजी करना है तो हम ऐसे करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 10 रेस टू 2। सो टी इज इक्वल टू 0.5, हाफ मीन 0.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 सेकेंड, ये होगा हमारा आंसर। या फिर t इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 सेकेंड। ओके, समझ में आया। तो ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया है हमारा n इज इक्वल टू 200 हर्ट्स एंड t इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 सेकेंड। चलो नेक्स्ट सम जो हमें दिया गया है, सेकंड सम, अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 170 हर्ट्ज प्रोड्यूस द साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। देखो, अब वापस हमें सेम प्रॉब्लम दिया गया है, सेम न्यूमेरिकल दिया गया है, अ ट्यूनिंग फोक ऑफ अ फ्रीक्वेंसी 170 हर्ट्ज। तो हमें सेम प्रॉब्लम दिया गया है। तो अब हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी गई है, यहां गिवन क्या दिया है, इस केस में गिवन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 170 हर्ट्ज एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 2 मीटर। तो सेम फॉर्मूला अपना होगा, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपको, क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई। सो 170 इंटू 2 कितना होगा, 3
मीटर पर सेकेंड। ओके ये समझ में आ गया, ये तो इजी प्रॉब्लम था, सबसे इजी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करना है, सेकेंड प्रॉब्लम समझ में आ गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, थर्ड प्रॉब्लम। देखो क्या कहा है उन्होंने, अ इको साउंडर इन अ फिशिंग बोट रिसीव एन इको फ्रॉम द शोल ऑफ फिश 0.545 सेकेंड आफ्टर इट वॉज सेंट। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वॉटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड, हाउ डीप इज शोल। ठीक है, तो अब हमें इजी प्रॉब्लम दिया गया है, वंस अगेन हमें क्या दिया है पहले समझते हैं। देखो अब फिशिंग बोट है हमारे पास, ये एक फिशिंग बोट है और इसके नीचे बहुत सारे फिश है, बहुत सारे फिश, शोल ऑफ फिश। अब क्या कर रहा है, यहां जो का इको साउंडर है, फिश का इको साउंडर, ये क्या कर रहा है, साउंड वेव भेज रहा है और साउंड वेव वापस रिसीव हो रहा है। तो देखो जब इको का कंसेप्ट आता है तो डिस्टेंस डबल ट्रेवल होता है, एक बार ये डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2D, उसके लिए टाइम कितना लगा, उसके लिए 0.45 सेकेंड टाइम लगा और स्पीड ऑफ साउंड कितना था, जो भी हमने साउंड वेव भेजा था वो था 1500। तो देखो अब जो हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले, इसमें गिवन लिख लेते पहले, हमें गिवन क्या दिया है इस केस में, गिवन दिया गया है टाइम इज इक्वल टू 0.45 सेकेंड। ओके 0.45 सेकेंड एंड नेक्स्ट हमें दिया गया है v इज इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड। ओके अब फॉर्मूला तो हमारा फॉर्मूला होगा स्पीड इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन देखो जब भी इको का कंसेप्ट आता है तो डिस्टेंस डबल हो जाता है, तो ये फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाय t। ओके हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, देयरफॉर यहां हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं 2d इज इक्वल टू v इनटू t। ओके एंड देन पहले 2d फाइंड आउट कर लेते हैं, 2d इज इक्वल टू क्या होगा, v का वैल्यू 1500 × 0.45, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन अच्छा कर सकते हो तो मल्टीप्लिकेशन करो इसका। ओके देन उसको 2 से अगर नहीं आता तो डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर लो, सो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 1500 × 0.45 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करो, 2 7 14, 2 5 10 एंड ये 0। अब ये नंबर और कम हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करो 45 से, अगर आप 45 से मल्टीप्लाई करते हो आपको आंसर मिलेगा इसका 337.5 मीटर। तो कितना डिस्टेंस पे है शोल ऑफ फिश, दैट इज 337.5 मीटर, इतने डीप में शोल ऑफ फिश है एक साइड का डिस्टेंस। ठीक है सिंपल है प्रॉन न्यूमेरिकल समझ में आ गया, नेक्स्ट सम पे आते हैं। अब हम चलो नेक्स्ट सम क्या कहा है, देखो अ गर्ल स्टैंड 170 मीटर अवे फ्रॉम द हाई वॉल एंड क्लैप हर हैंड at a steady rate so that each clap coincide with the echo of one before. If she makes 60 clap in 1 minute, the value should be the speed of sound in air. What value should be the speed of sound in air? And now she move to another location and find that she should now make 45 clap in 1 minute to coincide with the successive echoes. कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यू पोजिशन फ्रॉम द वॉल। ठीक है अब न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से समझते हैं, क्या कहा है, पहले तो हमें फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला वही है, गर्ल प्रोड्यूसर 60 क्लैप इन 1 मिनट। ठीक है पहले तो हम
हमारे डेटा को थोड़ा सा इजी कर लेते। क्या कहे, कहा है पहले, अ गर्ल प्रोड्यूस, गर्ल प्रोड्यूस्ड 60 क्लैप इन 1 मिनट। सो एक मिनट में कितने क्लैप कर रहे हैं? 60 क्लैप। तो एक क्लैप एक सेकेंड में होगा, ओके, दैट इज वन क्लैप इन 1 सेकेंड। एक क्लैप एक सेकेंड में होगा, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इको आ रहा है, देखो साउंड जाके रिटर्न आ रहा है, तो ये होगा सेम फॉर्मूला 2D/T डिस्टेंस, इको के लिए फॉर्मूला। तो अब 2 × D का डिस्टेंस कितने, कहां पे गर्ल्स खड़ी है, 170 मीटर, पहले केस के लिए 170 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड हमने फाइंड किया, एक क्लैप के लिए 1 सेकेंड लग रहा है। तो अब 340 मीटर पर सेकेंड इतने वेलोसिटी से क्लैप का साउंड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो पहला में इफ शी मेक 60 क्लैप इन 1 मिनट, वॉट वैल्यू शुड बी द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये समझ में आ गया। तो इको जैसे एक क्लैप जाएगा रिटर्न आएगा तब वो दूसरी क्लैप करती है, तो ये आ गया फॉर्मूला। देन गर्ल प्रोड्यूस 45 क्लैप्स पर मिनट, अब क्या कर रहा है, सेकेंड केस गर्ल प्रोड्यूस 45 क्लैप्स इन 1 मिनट, सो दैट इज 1 क्लैप। 1 क्लैप के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना कैप है, 45, तो 1 कैप के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 क्लैप के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा। सो ये होगा 45 60, ये होगा 60 / 45, समझ में आ गया। 45 क्लैप्स के लिए 60 सेकेंड्स, तो 1 क्लैप के लिए कितना टाइम, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 60 / 45 होगा, दैट इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4/3 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा, कितना लगेगा 4/3 सेकेंड। अब 1 सेकेंड सेम कितना हमें वेलोसिटी, सो अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो सेम फॉर्मूला 2D डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। सो अब देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू V × T/2। सो V का वैल्यू कितना है हमारा, V का वैल्यू है 340, देखो हमने पहले ही फाइंड किया है। देन टाइम का वैल्यू कितना है, 4/3 एंड डिवाइडेड बाय ये 2। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 × 4 एंड 3 से अगर सो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 110.33 आएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, नियर अबाउट 3, मींस आ गया हमारा 113.33 × 2, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर हम यहां सॉल्व करते थे आंसर कितना आया 113.33। सो डी इज इक्वल टू, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 226.66 या 67 ये कंटिन्यू होगा, ये होगा हमारा डिस्टेंस मीटर में, ओके, ये होगा डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर, ओके, ये होगा डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है, ये समझ में आ गया। So D is equal to 226, यहाँ कितना आंसर आएगा 113.33।
और 333 कंटिन्यू में रहेगा, इसलिए हमने यहाँ 7 ले लिया। तो डिस्टेंस समझ में आ गया, ये हो गया हमारा। और एक प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं अब हम। फिफ्थ प्रॉब्लम इजी है, क्या कहा है उन्होंने, अ साउंड वेव हैज अ टाइम पीरियड 0.15 सेकेंड, साउंड वेव बी हैज अ टाइम पीरियड 0.025, विच साउंड इज अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, विच साउंड हैज अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, कौन से साउंड के पास ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होगी। सिंपली टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो हमें दिया गया है, सो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/ पीरियड या टाइम पीरियड, ये हमारे पास फॉर्मूला है, एन इज इक्वल टू 1/T। तो सिंपली इससे भी आप बोल सकते हो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली है, जिसका टाइम पीरियड ग्रेटर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी लेस होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी लेस होगी, और जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी। डायरेक्टली भी आप जज कर सकते हो। सो हम कह सकते हैं फॉर, अगर फाइंड आउट करना है तो फ्रीक्वेंसी फॉर ए वेव इज इक्वल टू टी ए, टी ए का वैल्यू कितना होगा, टी ए का वैल्यू कितना दिया है 0.015। इसका रेसिप्रोकल आप ले सकते हो, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, इसको सॉल्व करोगे, 15 से डिवाइड करोगे 0.0, तो ये आएगा आपका, मीन्स आप इसको ऐसे ऐसे करोगे 1.5 × 10⁻²-2, अगर आप इसको सॉल्व करते हो 3/2, सो 2/3 होगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 66.67 हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट एन बी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड, टी बी इज इक्वल टू 1/0.025, तो ये होगा 2.5 × 10⁻²-2, 2.5 × 5/2 मीन्स 2/5 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सिंपली इसका आंसर आएगा 40 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज। देखो, सो ऑब्वियसली एन ए इज ग्रेटर देन एन बी, विच साउंड हैज ग्रेटर, सो एन ए इज अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन एन बी, तो ए वेव हैज द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन एन बी। इजी है, ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी 1.75 टाइम इट्स स्पीड एट एनटीपी। क्या कहा है हमें, व्हाट इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, और हमें गिवन क्या दिया है, गिवन, गिवन लिख लेते हैं पहले, गिवन हमें दिया है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना है 1.75 टाइम्स स्पीड एट एनटीपी, स्पीड एट एनटीपी, ओके 1.7 टाइम स्पीड एट एनटीपी। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें दिया गया है, ये रिलेशन हमें दिया गया है, क्या कहा उन्हें, एट व्हाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी 1.7 टाइम्स इट्स स्पीड एट एनटीपी, इट्स स्पीड एट एनटीपी। सो एनटीपी मीन्स टेम्परेचर क्या होगा, 273 डिग्री केल्विन, टेम्परेचर एट एनटीपी इज 273 डिग्री सेल्सियस। At what temperature will the speed of sound in air be 1.7 times its value at NTP? ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है V is inversely is directly proportional to root of temperature, root of temperature। ठीक है, अब दोनों को अगर हम अप्लाई करते हैं,
दोनों को अप्लाई करते हैं। सो वेलोसिटी इन एयर टू द वेलोसिटी इन एनटीपी इज इक्वल टू अंडर रूट टेम्परेचर इन एयर टू द टेम्परेचर एट एनटीपी दैट इज 273 डिग्री केल्विन, दैट इज 273 डिग्री केल्विन। अब हमारे पास रिलेशन दिया गया है, सो वी एयर इज इक्वल टू 1.75, कितना दिया है हमें 1.75, तो वो हम पुट करेंगे यहां 1.75 एंड वेलोसिटी एट एनटीपी डिवाइडेड बाय वी एनटीपी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अंडर रूट टी एयर बाय 273, टी एयर बाय 273। अब वन तो 1.75 इज नथिंग बट 7/4, ये क्या होता है 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट टी एयर डिवाइडेड बाय 273 अगर हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड 49/16 इज इक्वल टू टी एयर इंटू 273, अब मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर टी एयर इज इक्वल टू 273 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 16। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं टी एयर इज इक्वल टू, तो हमारा आंसर आएगा 836 केल्विन, कितना आएगा 836 केल्विन। तो ये आ गया केल्विन में आंसर। अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, सो टी एयर इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में केल्विन को कन्वर्ट करो तो क्या होगा 273 माइनस करोगे तो 563 डिग्री सेल्सियस, तो ये दो आंसर हमें आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, स्पीड साउंड आउट करना है, हमें इक्वेशन मिला और हमने इससे सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा, अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल इक्लिप्स फायर अ गन, ही हर्ड्स टू इकोस, वन आफ्टर 3 सेकेंड एंड अदर आफ्टर 5 सेकेंड, अदर आफ्टर 5 सेकेंड, द सेपरेशन बिटवीन द टू क्लिप्स इज 1360 मीटर, वॉट इज द स्पीड ऑफ साउंड। तो सपोज ये इक्लिप्स है या वॉल्स है, हम मानेंगे इस तरह से, यहां एक है, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है 1360 मीटर। हाँ, इसके बीच में मैन खड़ा है, एक आदमी खड़ा है और एक गन को फायर करता है, ये क्या करता है गन को फायर करता है। अब एक इको यहां से साउंड जाएगा और रिटर्न आएगा, एक इको कितने टाइम में आता है 3 सेकेंड में, और दूसरा इको यहां से साउंड जाता है यहां और रिटर्न आता है कितने 5 सेकेंड में आता है। ठीक है, तो देखो अब इको आ रहा है मीन्स डिस्टेंस डबल ट्रेवल कर रहा है या फिर टाइम डबल लग रहा है, तो जाने के लिए टाइम कितना लगेगा उसको 1.5 सेकेंड और साउंड को आने के लिए 1.5 सेकेंड, सो टोटल कितना होगा 3 सेकेंड, यहां से जाने के लिए कितना लगेगा 2.5 सेकेंड और आने के लिए 2.5 सेकेंड, तो हमें डबल टाइम लेने की जरूरत नहीं है। सो टाइम
सो टाइम टी वन, टी वन टाइम कितना होगा वन साइड जाने के लिए, टी वन टाइम होगा हमारा 3/2, दैट इज 1.5 सेकेंड, और दूसरा टाइम टी टू इज इक्वल टू 5/2, दैट इज 2.5 सेकेंड। सो टोटल टाइम, टोटल टाइम T is equal to T1 plus T2 to travel distance कितना distance travel कर रहे हैं हम 1360 meter, तो meter 1360 meter distance travel करने के लिए कितना time लगेगा, T is equal to T1 plus T2, that is T is equal to 1.5 plus 2.5 is equal to 4 सेकेंड, कितना टाइम लगा 4 सेकेंड, एंड देयरफॉर वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का वैल्यू 1360 डिवाइडेड बाय टाइम 4 सेकेंड, डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा हमारा, सिंपल आंसर होगा 4 3 12 4 4 60, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया, चलो नेक्स्ट। If velocity of sound in air at given place of two different days of a given week are in the ratio of 1:1.1, तो velocity का ratio दिया है, दो दिए थे, ये एक पहला दिन, ये है दूसरा दिन, दोनों में ratio कितना है 1:1.1, इतना ratio है। Assuming that temperature on the two days to be same, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, व्हाट क्वांटिटी कंक्लूड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द कंडीशन ऑन टू डे। अब टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो कौन सी क्वांटिटी होगी जो चेंज हो रही है उसके वजह से हमें ये। सो अब तीन फैक्टर हमने स्टडी किया है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, तो बचा क्या ह्यूमिडिटी, बचा क्या ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो हमें तो रिलेशन पता है ह्यूमिडिटी के लिए, दैट इज वी वन बाय वी टू इज इक्वल टू अंडर रूट रो टू बाय रो वन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अंडर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो अब वी वन बाय वी टू का वैल्यू हम पुट कर देंगे, वी वन बाय वी टू इज इक्वल टू वी वन बाय वी टू, वन बाय वन इज इक्वल टू अंडर रूट रो वन डिवाइडेड बाय रो टू, तो अब इनका हम क्या कर लेंगे स्क्वायर निकाल लेंगे, सो रो वन बाय रो टू इज इक्वल टू स्क्वायर वन, और 1.1 का 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो ये होगा 1.21। सो अब देयरफॉर रिलेशन क्या होगा, रो टू इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, रो टू इज इक्वल टू, यहां हमने उल्टा लिख दिया, यहां आएगा रो टू और यहां आएगा रो वन, यहां क्या आएगा रो वन, यहां भी होगा रो टू, ऊपर रो टू होगा, ये ऊपर होगा रो वन, देयरफॉर देयरफॉर क्या होगा रो टू डिवाइडेड बाय रो वन, ठीक है, देयरफॉर रो वन इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, रो वन इन टू वन, रो वन इज इक्वल टू 1.21 रो टू, तो अब रो वन इज ग्रेटर देन, रो वन इज ग्रेटर देन रो टू, अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, तो हम कहेंगे so velocity of sound is greater on second day, तो second day moist होगा और first day हमारा dry होगा, dry air में velocity कम होती है, so second day हमारा क्या होगा moist होगा, क्योंकि velocity greater कौन से होती है, velocity greater in moist air, moist air में velocity क्या होती है
ग्रेटर होती है। तो अब सेकेंड डे हमारा मॉइस्ट होगा और फर्स्ट डे हमारा ड्राई होगा अगर हम कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ओके, क्या कहा है? अ पुलिस कार ट्रेवल टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब ये डॉपलर इफेक्ट वाला प्रॉब्लम है। ट्रेवल टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। द सायरन ऑन अ कार इमिट द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज। कैलकुलेट द रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी। द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। चलो गिवन लिख लेते पहले। हाँ, कंडीशन क्या दिया है? पुलिस कार ट्रेवल टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर या लिसनर स्टेशनरी है। हमारा लिसनर क्या है? लिसनर स्टेशनरी। एंड सोर्स मूविंग टुवर्ड्स मींस अप्रोच हो रहा है। सोर्स मूविंग टुवर्ड्स विथ वेलोसिटी वी एस। साउंड की वेलोसिटी वी होती है, सोर्स की वेलोसिटी वी। सो हमें गिवन क्या दिया है? गिवन देखते हैं। गिवन हमें दिया है स्पीड ऑब्जर्व एट द स्पीड ऑफ द पुलिस कार ट्रेवल मींस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एन जीरो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड 250 हर्ट्स। देन हमें क्या दिया गया है? द स्पीड ऑफ साउंड वी इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट क्या करना है एन। तो अब डॉपलर इफेक्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा? अप्रोच के लिए सोर्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स लिसनर। तो फॉर्मूला है सोर्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स लिसनर एन इज इक्वल टू एन जीरो वी वी माइनस वी एस वी माइनस वी एस। ठीक है, अब फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे हम। सो एन इज इक्वल टू 250 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 15। दैट इज एन इज इक्वल टू, अगर आप हम सॉल्व करते इसको ओके, तो क्या होगा? 250 इंटू 340 3 2 5 3 2 5 3 2 5। अगर आप इसको डिवाइड करते हो 25 से या 5 से डिवाइड करते तो आपको मिलेगा 3400 डिवाइडेड बाय 13। तो n इज इक्वल टू 13 से डिवाइड करोगे आप 261.54 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर दो 25 से। देखो 25 10 जा और यहाँ होगा 25 13 जा 25 1 जा 25 ओके 7 बच गए तो 75 आ गया तो 25 3 जा। तो इस तरह से ये 3400 बाय 13 और 13 से आप डिवाइड करोगे तो 261 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, तो ये भी इजी प्रॉब्लम था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो सेम। अब ये भी हमारा किसके है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम भी डॉपलर इफेक्ट पे है। तो क्या कहा है? द साउंड इमिटेड फ्रॉम द सायरन ऑफ एम्बुलेंस हैज फ्रीक्वेंसी 1500 हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ साउंड इज 340। ओके, फ्रीक्वेंसी दिया है, स्पीड दिया है। कैलकुलेट द डिफरेंस इन अ फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर इफ द एम्बुलेंस इनिशियली ट्रेवल टुवर्ड्स एंड देन अवे फ्रॉम द। एक बार एम्बुलेंस नजदीक आ रही है, एक बार एम्बुलेंस दूर जा रही है। कितने स्पीड से? 30 मीटर पर सेकेंड से। तो गिवन हम लिख लेते हैं, हमें क्या दिया है गिवन में। ओके, गिवन हमें दिया है एन जीरो का वैल्यू। एन जीरो इज इक्वल टू 1500 हर्ट्ज।
नेक्स्ट हमें क्या दिया है, स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन, हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है दो फ्रीक्वेंसी के बीच में, और हमें दिया है एम्बुलेंस का स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक अब टूवर्ड्स आ रही है एम्बुलेंस टूवर्ड्स, तो ये हमारी एम्बुलेंस सोर्स कहां आ रही है, टूवर्ड्स लिसनर, टूवर्ड लिसनर। तो फॉर्मूला क्या होगा, एन ए, इसको ए कहते हैं, एन ए इज इक्वल टू एन जीरो वी डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस। और दूसरे केस में सोर्स अवे जा रहा है, सोर्स क्या कर रहा है, अवे जा रहा है लिसनर से, स्टेशनरी लिसनर से। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एन बी कहते हैं हम इसे, एन बी इज इक्वल टू एन जीरो वी वी प्लस वी एस। तो ये हमारे दो फॉर्मूले होंगे, और दोनों फॉर्मूले के वैल्यू अगर हम डालेंगे, एन ए इज इक्वल टू 15500, v का वैल्यू कितना है 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 340 माइनस 30, ठीक है। और यहां भी एन बी इज इक्वल टू 15000, 340 डिवाइडेड बाय 340 प्लस 30। देखो ये दोनों वैल्यू आपको अब निकालना है होमवर्क के लिए, दोनों वैल्यू आपको निकालना है, देन हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस क्या होगा, एन इज इक्वल टू जो भी ग्रेटर वैल्यू होगा उससे आप लेसर वैल्यू माइनस कर सकते हो, तो एन ए माइनस एन बी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करके देख लो, देखो फॉर्मूला मैंने दिया गया है, सिर्फ आपको सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन निकालने के पास दो वैल्यू आएंगे और दो वैल्यू का आप माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, और आंसर में भी मैं बता के रखता हूं, आंसर आएगा 267 हर्ट्ज दोनों को माइनस करोगे तो। तो यहां हमारा न्यूमेरिकल, साउंड के सारे न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। सो और अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं समझाए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम इसको वापस रिपीट कर सकते हैं, आपके लिए उसका वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। सो आपको कुछ समझ में नहीं आया या कोई भी और आपकी कोई और लेक्चर चाहिए फिजिक्स के, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो यहां हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं, और अगर लाइक इसको लाइक करो पसंद आया तो, और कमेंट भी करो, ठीक है। तो हम यहाँ लेक्चर को स्टॉप करते हैं, बाय बाय।